कहाँ जा रहे हैं आप? नीरव के पास। मत जाएं। क्यों? भाभी बेगम ने मना किया है ना। आइए आइए भाभी बेगम आइए। बैठो वकास अहमद, बात करनी है तुमसे कुछ। जी हुकुम भाभी बेगम। तुम ये तो मानते हो ना कि मैं खानदान के बड़े बड़े फैसले करती हूँ, बड़े बड़े झगड़े निपटाती हूँ। मेरे फैसले सही होते हैं, अगर कोई फैसला गलत हुआ हो तो बता दो मुझे। हरगिज नहीं भाभी बेगम, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, आप हमारे खानदान की बड़ी हैं, मेरे अजीज दोस्त की बेवा हैं, आपके लिए मेरी तरफ से सिर्फ एहतराम है। तो फिर जो कहूंगी वो किसी मसलहत के तहत होगा और उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे, बुरा नहीं मानोगे। अब और क्या बुरा होगा मेरे साथ? अपनी इतनी प्यारी बेटी से दस्तबरदार होना कोई छोटी बात तो नहीं है। जब वो सब मैं सह लिया तो बस फिर और क्या। जानती हूं, तुम्हारे दर्द को भी समझती हूं, लेकिन कुछ फैसले वक्त के तकाजे के मुताबिक करने पड़ते हैं। आप कही है भाभी बेगम। देखो मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें और अनिला को कराची वापस चले जाना चाहिए। देखो मुझे लगता है कि तुम्हारे यहां मौजूद होने से मीरब अनवर को अपना हकीकी बाप तस्लीम नहीं करेगी। कल को उसकी शादी मुर्तसिम से होनी है और यही उसका घर है। मैं चाहती हूं कि वो मुझे, इस घर को और मुर्तसिम को अपना बना ले, अपना समझे, ताकि उसे आसानी हो। समझ रहे हो ना? जी भाभी बेगम, हम चले जाएंगे। ठीक है, मीरा अभी सो रही है, मैं चाहती हूं कि तुम उसके उठने से पहले चले जाओ, ताकि उसे किसी तरह की परेशानी ना हो।